की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। खुशी का माहौल, शादी का माहौल गम में बदल गया, और वो भी गम नाच को लेकर। यानी नाच देखने के नाम पर हुई मारपीट में एक दलित युवक की मौत हो गई। यह घटना चंदवा स्थित हुई, जहां पर एक बीती रात एक शादी समारोह हो रहा था, जिसमें एक लड़की की शादी में बारात में नाच आया हुआ था, और नाच देखने के मामले पर विवाद उत्पन्न हो गई, जिसमें युवकों ने एक दलित युवक को लाठी डंडे से मारकर उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मौत के बाद ग्रामीणों ने काफी उग्र हो गए और घंटों बरातियों को बंधक बनाए रखा। पुलिस की छानबीन के बाद पुलिस की सहयोगी से इस मामले को शांत कराया गया और काफी समय के बाद बरातियों को घर से निकाला गया। इस मुद्दे को लेकर जहां 5 थाना के फोर्स जो पुलिस बल जो है उस घटना स्थल पर पहुंचा और मामले को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। आइए देखते हैं कि यह मामला किस प्रकार हुई और जहां एक प्रकार बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने शादी विवाह में बंदूक या किसी प्रकार की अस्त्र शस्त्र ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी मारपीट और अस्त्र शस्त्र ले जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। दीपक भी है देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ आई देखा तरह वीडियो कौन बनो ना आगे सुनो
रिपोर्टिंग न करी तब तक की प्रक्रिया कहाँ अधूरा वो अधूरा में जो बा कानूनी प्रक्रिया भी बा जना चलते कि पुलिस मरत पुलिस भी जोरे बा सब लोग तहरा जोरे बा न्याय कहे ना मिली न्याय खातिर सब लोग जन बा आई फूल फाल दौड़ धो पाली ओली तोड़ फोड़ से करो हमनी के फायदा कोई नहीं यार पुलिस हमनी के सामने एफ आई आर ठीक बानू। दूसरी बात की ओकरा में हमनी के एससी एसटी एक्ट लागल बा जौना चलते यदि ना लगी तो जो गरीब के जो मुआवजा होला वो ना मिली लेकिन वो लाग गई बा 4.5 लाख रुपया बहुत जल्दी वो भी मिली। अभी सामाजिक अनुदान वाला 20,000 रुपया चेक दिया गई कभी अंत्येष्टि योजना के वार्ड पार्षद द्वारा इधो दिया तो जाना भी अब आसा। दूसरी बात पैसा की यह बात नहीं है अब हो गई कि मान ला कि वो लोग मार दे मरला के बाद लड़का डेथ हो गई आज वो लोग यदि सोची बर्बादी वाली बात तो ना मारित लोग उन लोग के पूरा आज करीब करीब 15 आदमी नामजद अभियुक्त बनावल गई बा एफ आई आर में आ 15 आदमी अज्ञात में अभी जो 5 जना जो रूम में बंद बा लोग वो लोग डायरेक्ट अभी जेल जा रहा बा तो सवाल यही बा कि हमनियों के यदि तोड़ फाड़ के नियो कह देब जा बिना मतलब के कानून के अपना हाथ में लेने से क्या फायदा बा जब कानून काम ना करे तब कानून के हाथ में ले गया जब कानून सब काम कर रहा बा सब हमनी के माने सब करवा रहा बनिया तो हमनी के ये कहम जा सब कोई से हाथ जोड़ के कि भाई हमनी के शांति से और नियम से हमनी के काम करे के बा कोई के हमनी के क्षति नहीं है पहुंचावे के ना ये लोग नदानी में काम कैले बा लोग के बर्बादी बा जौन भी सरकार द्वारा मुआवजा बा वो हमनी के माने दिवावे खातिर पूरा हमनी के प्रयास रही बहुत जल्दी पैसा मिल जाये और वो लोग के अरेस्टिंग ना हुई एक खातिर हमनी के आए वाला समय में रोड जाम कर जाये या धरना दे जाये जैसे भी वो लोग के अरेस्टिंग करवा के दम ले जाये हम माने में शामिल रहो सब लोग के शामिल सबसे बड़ा बात अपना दिमाग से काम करे के बा ठीक हम तारा साथे बानी जनता हमारा गांव के सबके साथे बा ठीक अभी टोटल बस्ती साथे भी आ फर्स्ट मैटम का जरूरी बा लास्ट के ऐसे कि लड़का गइल बा लड़का वापस ना आई ना आई तो हम ये कानून अपना हाथ में ना लेंगे पता ना चले कि वो कैसे मरल हम तो फांसी तक संबंध करावल जाए जरूरी बा फांसी होके के नीचे कोनो मुआवजा मिली ऐसे पोस्ट मैटम भी जरूरी बा सही बात ठीक हम के रिक्वेस्ट बा जोड़ी बा हमार ग्रामीण जनता से कि कोई तोड़ फोड़ ना करे अब हमें तहरा लोग कोई के कुछ कहे के पूरा एक सेकंड पूरा गांव दबाव दी हुई आज किला के बाद किया मकान बेच दो तारा रहे ना दे तारा के रहे नहीं दे अरे बाकी सब पूरा दबाव हम दबाव दें पूरा हमारा गांव जनता साथ दी हुई तेल में गांव का बंद है किसी एक सर को साथ में भेजिए ना सर आप आइए ना सर वर्तमान शिक्षा और परिवेश विषय पर एक व्याख्यान माला ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सांसद आर के सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा का जो महत्व है यह काफी बड़ा हुआ है और इस शिक्षा के प्रति भारत सरकार को या बिहार सरकार काफी ही प्रयासरत है। शिक्षा के प्रति और विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा देने के प्रति सरकार काफी ही चिंतित है और कई योजनाएं बना रखी है। Thank you.
परिवेश में शिक्षा पद्धति व परवरिश विषय पर जो एक गोष्ठी रखी गई है, एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं, श्री राजकुमार सिंह साहब से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को उद्घाटित करें। प्राचार्य सी पी जैन, डॉक्टर हर्षित विजय एंड अरिहंत विजय आप सहयोग करें। प्रोफेसर रण विजय जी, शिक्षा पद्धति टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दैट इज ऑडियो विजुअली विद प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्टिविटी रोबोटिक्स 3D प्रिंटिंग प्रैक्टिकल लैब्स। हम सभी सहमत हैं कि जिन चीजों को हम अपनी नजरों से देखते हैं उन चीजों को
याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस कार्य को हम प्रैक्टिकल रूप में करते हैं उसे कभी भूलते नहीं, और इसे टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय पिछले 6 वर्षों से देता आ रहा है। यही कारण है कि छोटे बच्चे साइंस एग्जीबिशन में अपने नए नए प्रोजेक्ट सभी को दिखलाते हैं। आवश्यकता है आज पुनः बच्चों के मन में अनुशासन के प्रति उत्साह लाने की। आज हम बच्चों को प्रेम वश 12 एवं 14 वर्ष की उम्र में स्कूटी व मोटरसाइकिल चलाने की छूट दे देते हैं। इसी वजह से रोड पर आए दिन एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत रहे इस विद्यालय के संस्थापक संरक्षक गोलोकवासी मेरे पिताजी पंडित कुमार जैन साहब का मैं नमन करता हूँ। आज आप सभी जिस प्रांगण में बैठे हैं उसके सपनों को इन दिनों प्राप्त कर लिया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जिस ऊंचाई तक पहुँचने का सपना देखते हैं आप गृह सचिव के रूप में वहाँ तक पहुँचे। सेवानिवृत्त होने के बाद आपने औरों की तरह आराम का जीवन जीने की बजाय समाज व राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सामाजिक जीवन में एक नेता के रूप में एक लीडर के रूप में हमारे क्षेत्र से विजयी हुए। आपने औरों की तरह सिर्फ आश्वासन देने की बजाय आज भी एक अधिकारी की तरह कार्यों का संपादन व निष्पादन कराते दिखते हैं। आपके कुशल नेतृत्व में हमारा यह क्षेत्र प्रगति कर रहा है ऐसा सभी महसूस करते हैं। आपके अंदर आज भी ज्ञान प्राप्त करने व ज्ञान का अनुभव दूसरों के साथ शेयर करने व दूसरों को प्रोत्साहित करने का जो जज्बा है वह सराहनीय व अनुकरणीय है। आज बाजारों में अभी और भी है, आप देखते हैं भोजपुर दर्शन। आपके शहर आरा में डिजीलैंड मेला जहां मिलेगा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार के साथ ही देशी विदेशी झूलों का संगम। टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला के साथ ही बच्चों के लिए जीप झूला, मारुति झूला, घोड़ा डोला और हंसने पीटने के लिए मिक्की माउस। तो दोस्तों आप आए, सब परिवार आए और अपने दोस्तों एवं पड़ोसियों को साथ लाए। डिजनीलैंड मेला रमना मैदान। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा।
नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। बिहार सर्वोदय मंडल के द्वारा एक बैठक आहूत किया गया। बैठक में कई विकासशील योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि महात्मा गांधी की 150वां वर्षगांठ के अवसर पर बिहार के विशेषकर ग्रामीणों और युवाओं को जागरूक करने का कार्य बिहार सर्वोदय मंडल के सदस्य करेंगे। देश में भारत सरकार की ओर से भी या बिहार के जितने गांधीवादी रचनात्मक संस्थाएं हैं, और हम 150वां वर्ष कैसा चाहते हैं। गांधी का जो सपना था कि यहाँ पर सामाजिक सद्भाव बना रहे, यहाँ पर लड़कियों का सुरक्षा हो, यहाँ पर किसानों का जो है महत्व बढ़े, खादी और ग्रामोद्योग का 900, यह तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुगना उनका जो है आमदनी दुगना करेंगे, उनका जो उत्पादन है उससे ज़्यादा उनका प्रॉफिट करेंगे देंगे, कि जितना लागत है उसे 1.5 गुना दिया जाए, साथ साथ जो कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी होता है उसका भी ख्याल किया जाए। और हमें मानते हैं 1980 में 1 रुपये लीटर डीजल था तो 1 रुपये किलो गेहूँ था, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। और आज 2018 में 60-65 रुपये डीजल है, गेहूँ है 15 रुपये। बहुत सारे चीज़ों पर हम लोगों ने आज बात करेंगे। आप पूरे राज्य में गांधी जी का 150वां वर्ष का हम यहाँ आगाज करने आए हैं। ये आरा वीर कुंवर सिंह की धरती है और अभी हम लोगों ने 3 दिन पूरे राज्य स्तर पर बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाया है। और हमारा उद्देश्य है कि गांधी जी का 150वां वर्ष शुरू होने वाला है। अभी हम लोग चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्ष मनाया है और किसानों के सवाल को लेकर, छात्रों का सवाल के लेकर, खादी गर्म उद्योग, शांति सद्भाव और बेटियों का सुरक्षा, यह हमारा संकल्प है। और हम इस संकल्प को लेकर चंपारण सत्याग्रह का समापन किया है और आज गांधी का 150वां वर्ष का हम आगाज करने जा रहे हैं कि गांव, जो गांधी ने कहा था कि गांव को आज़ादी मिलना चाहिए, गांव स्वतंत्र हो, गांव को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आज सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, गांव पर कोई ख्याल नहीं है, किसानों लक्ष किसान के उत्पादन का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, छात्र नौजवान का कोई संगठन नहीं है,
बेरोजगारी बढ़ रहा है। खादी ग्राम उद्योग का हालत आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों से उनको नीचे ढकेलने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि खादी और हैंडलूम दोनों बराबर है। इस तरह का चीज़ों को गांव को पुनर्स्थापित करने के लिए किसानों को उत्पादन का लागत मूल्य मिलना आवश्यक है, लाभकारी मूल्य मिलना जरूरी है। और छात्र नौजवानों के लिए बिहार में एक यात्रा निकालेंगे, इसका आज कल हम यहाँ शुरुआत करेंगे। अब पूरे बिहार में जितना कॉलेज है, हाई स्कूल है, खादी ग्राम उद्योग की संस्थाएं हैं और किसान संगठन हैं, इन सब के बीच एक समरसता बनाएंगे, एक सद्भाव बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, और नेटवर्क बनाकर हम जो हैं गांव के पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ेंगे। मेरा नाम चंद्रभूषण, महामंत्री बिहार सर्वोदय मंडल, हमारे साथ हैं। बहुत जोर हो रहा है और कुंवारी लड़कियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उनके खिलाफ बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष की हैसियत से पूरे बिहार में लड़कियों की किस तरह से सुरक्षा हो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम कालिका सिंह, अध्यक्ष बिहार सर्वोदय मंडल पटना। लक्षमपुर में आयोजित चंडी महायज्ञ के अवसर पर देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस देवी जागरण में प्रख्यात गायक विष्णु ओझा ने भाग लिया और अपने संगीत से, अपने देवी गीत से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चंडी यज्ञ लक्षमपुर गांव में विगत कई दिनों से आयोजित की जा रही है, जिसमें काफी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है।
ज्यादातर लोग हो या आदमी के अंदर बता को पड़ता है आदमी के अंदर देवी जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे कहना है कि देवी जी का मंदिर पूर्व से ही मनोकामना सिद्ध हेतु एक कार्यरत है। आज जो देवी जी का माँ प्रतिमा का स्थापन करने जा रहा है, जो 24/4/2018 से लेकर 30/4/2018 तक संपन्न होने जा रहा है, इसी के तत्वावधान में देवी जागरण का आयोजन किया गया है। इससे हमारे समाज में शांति व्यवस्था के कायम व्यवस्था बना रहेगा, साथ ही साथ मनोरंजन का एक साधन हम लोग के बीच में। जो जग हो रही है, जग के लिए चार्ज कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, कार्य करते रहे। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश सिंह है, ग्राम पंचायत।
लिए चाहेंगे कि यदि वीर विजय सिंह यहाँ है तो कृपया मंच पे आएंगे। वीर विजय सिंह यदि यहाँ है तो कृपया मंच पे आएंगे। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आपके शहर आरा में डीलैंड मेला, जहां मिलेगा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार के साथ ही देशी विदेशी झूलों का संगम। टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला के साथ ही बच्चों के लिए जीप झूला, मारुति झूला, घोड़ा डोला और हंसने कूदने के लिए मिक्की माउस। तो दोस्तों आप आए, सब परिवार आए और अपने दोस्तों एवं पड़ोसियों को साथ लाए। एम आई मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। एम आई मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझा तेरे बिना लग ताजी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हां, आसूस, एसर, डेल, एचपी, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही एचपी, टीवीएस, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरा मंजिल, करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10, विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपाली आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के
विक्रेता। जिले के ज्योरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। महाराजा कॉलेज में आयोजित क्रिकेट मैच में काफी ही शानदार रहा और इस क्रिकेट मैच में काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे, जहां दोनों टीम काफी ही कड़ी मुकाबला के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। काफी अच्छी गेम थी, बहुत अच्छी लाइन पे बॉल डाल रहे हैं। अभी तक पिछले ओवर से रन कर रहे हैं, बहुत ही कम रन दिए हैं। और ये कीपर से मिसफील्ड हुई, बाउंड्री मिलेगा 4 रन। नहीं मैं बात नहीं सुन रहा, रवि गाड़ी के बिना तो छोड़ देते। वाइट करा दिया एम्पायर ने, काफी हाइट पे गेंद थी। स्ट्राइक पर अभी अभिषेक कुमार बैटिंग कर रहे हैं। बढ़िया बॉल थी, थोड़ी अंदर आई बॉल, इसे प्लेसमेंट के साथ कवर के हाथ में बॉल कर। यहाँ क्रिकेट एकेडमी और ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट, किसके किसके बीच में खेला? ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट कहाँ कौन सी टीम आई? पटना की, दोनों टीम पटना की, दोनों टीम पटना, एक कंकड़बाग एक दीघा। क्या फाइनल आज खेली जाएगी? फाइनल नहीं है अभी तो, आज ओपनिंग हो रहा है टूर्नामेंट का, ये 17 दिन चलेगा मैच। 17 दिन तक मैच चलेगा, ठीक है। नाम बताओ। प्रवीण कुमार सिन्हा। क्या है क्रिकेट का? ये इसमें संयोजक हैं हम, इस टूर्नामेंट के संयोजक।